नया फैमिली मेंबर है। डॉलर जो मेरे लिए बड़ी स्पेशल होती है, पार्टीशन भी नहीं कर रही मैं। ये नहीं है क्या पापा हर वक्त सनी? ये भी कि मुझे ताने से सख्त नफरत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फायदा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फायदा डार व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और ये देखें नया मेहमान हमारा टेडी। ये उस दिन हम टॉय शॉप पे गए थे तो मैं अपने लिए ये टेडी लेकर आई थी। ये हमारे फायजा डार व्लॉग का नया फैमिली मेंबर है। ये नया मेहमान है। हेलो बोले, हेलो बोलो सबको, हेलो हेलो बोलो सबको सबको हेलो बोलो। पागल तो नहीं लग रही ना मैं आप सबको? क्या है आप अपने ऊपर बैठो, उधर हो। ओह नहीं 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 नाराज़ नहीं हो ना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो आप सब बताइएगा कमेंट्स में कि आपको हमारा नया फैमिली मेंबर कैसा लगा। उसके बाद जी मैंने, चलो अब थोड़ा सा उधर हो जाओ, मुझे व्लॉग बनाने दो। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज हमारे इस चैनल के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑर्डर की थी जो कि आ गई है। आज काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, वो सब मैं आपको बताती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले बताती हूँ, मैंने ऑर्डर किया था वायरलेस माइक्रोफोन, ये देखें, जो कि बहुत काम की चीज़ है। ये देखें, इसके साथ है ये चुटकू सा माइक, कितना क्यूट है ना, छोटू सा। हेलो हेलो 1 2 3। और फिर उसके साथ ये एक यूएसबी है, ये जहाँ चार्जर लगता है ये वहाँ लगेगी। और फिर इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे और फिर ये कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसको लगाते हैं। और मैंने सोचा ये अगर आ गया है या आगे हमें काम आने वाला है, ठीक है, ये ट्रेवल के लिए काम आता है, या आपने कोई ट्यूटोरियल बनाने होते हैं या कोई ऐसी वीडियो आपने बनानी होती है जिसमें बैकग्राउंड पे काफ़ी शोर होता है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मैंने ऑर्डर की है और आज इस व्लॉग में हम इसको यूज़ करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मोबाइल दूर है और आप मोबाइल से काफ़ी दूर हैं और कुछ ऐसे शॉट हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो हम ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। रुके मैं कनेक्ट करके आई जी। तो यूएसबी मैंने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब रह गया ये माइक। ये माइक इतना क्यूट है ना, इस माइक को कनेक्ट करते हैं। इस माइक को लगा देना है इधर, ऐसा ही है। अब जो वीडियोस बनेंगी वो हम देखेंगे कि उसमें कैसा साउंड आएगा। बड़े टाइम से मैंने ऑर्डर की हुई है एक चीज़, बड़े टाइम से एक ऑर्डर की हुई है चीज़, वो आ गई है फाइनली फाइनली। और मैं आज इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, क्योंकि लड़कियों के, आपको लड़कियाँ बेहतर जानती होंगी, लड़कियों ने अगर कोई चीज़ ऑर्डर किया है ना तो लड़कियों को इंतज़ार रहता है कि वो चीज़ें कब आएगी कब आएगी। लड़कियों के मतलब का व्लॉग है ये, लड़कियों के मतलब का। कभी पैसे यहाँ वहाँ लग जाते थे, कभी क्या होता था। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी एक फ्रेंड है, वो दुबई गई, तो मैंने उसको कहा कि यार यहाँ से नहीं मिलता तो तुम ना दुबई से मेरे लिए एक चीज़ ले आओ। कहती हाँ हाँ बोल बोल बोल। तो मैंने उसको कह दिया, जैसे ही मैंने उसको कहा डायसन, तो उसके बाद उसने मेरी चैट ही नहीं खोली। खैर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर मैंने की थी और आज ऑर्डर आ गया। अब हमें ज़ारा की हेल्प की ज़रूरत होगी क्योंकि मैं मोबाइल पकड़ नहीं सकती हूँ, मोबाइल पकड़ाना होगा हमें ज़ारा को। लेकिन जनाब ज़ारा जब से आई है ना, जब से आई है वो अपने टॉयज़ के साथ लगी हुई है। मैंने जो टॉय लिए ना वो देखें, एक टॉय मेरा ये मेरे साथ है, एक टॉय वो मेरा वो उधर ऊपर पड़ा हुआ है। मुझे अपने टॉय की कोई होश ही नहीं है, और इतने ज़िंदगी में रोले हैं लेकिन ज़ारा की लाइफ में भाई वो देखें, देखा वो लगी भी अपने टॉयज के साथ। ये देखा, इसको नई चीज़ मिल गई है फ़न के लिए और इसको अब और कुछ चाहिए ही नहीं। आपके साथ क्या लगे, ये देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या कर रही हो, और ये क्या कर रही है, पानी पी रही हो? मेरा डिस्पेंसर। ये देखें जी, सबसे पहले ज़ारा का डिस्पेंसर देखें, पानी पिलाओ मुझे भी डिस्पेंसर में फ्रेश फ्रेश। ज़ारा की डिस्पेंसर पानी ठंडा भी करता है जिस तरह देखो ये मेरा डिस्पेंसर है, मेरा तो डिस्पेंसर पानी गर्म करता है ठंडा करता है। तुम्हारा क्या करता है? नहीं ये ठंडा नहीं करता, ये बस पानी देता है, ये खाली पानी दे देता है। देखें जी ये ज़ारा का डिस्पेंसर है, ये क्या ये कहता है ठंडा पानी नुकसान दे। अच्छा और क्या है? पैसा एटीएम। देखें जी आप सब जाते हैं बाहर एटीएम यूज करने, किधर किधर जाते हैं, ठीक है। ज़ारा
अमीर बंदी है, एटीएम ही घर रख लिया जारा ने। इतनी गर्मी में आप कौन जाए, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बाहर जाके पैसे निकालूं। पासवर्ड तो नहीं बता सकते आप सबको? पासवर्ड भी है? पासवर्ड नहीं बता सकते। ए आना, पासवर्ड मैं छुपा दूंगी ना, एटीएम का पासवर्ड वो देखिए। लोगों के कार्ड का पासवर्ड होता है, इसके पूरे एटीएम का पासवर्ड है। हमारा एटीएम डिफरेंट है, आप देखें वो पासवर्ड भी नहीं दे रहा है। भाई हमारे तो सिर्फ कार्ड का पासवर्ड होता है, इन मैडम ने पूरे एटीएम पे पासवर्ड लगाया हुआ है। ओके जी, फिर पासवर्ड हो गया। डॉलर्स भी हैं इनके पास, पाक रुपीस भी हैं, और ये एटीएम पासवर्ड के साथ साथ फिंगरप्रिंट भी लगाया हुआ है जारा ने। कोई भरोसा नहीं ना भी आपका? मेरा कोई भरोसा नहीं, हम गरीब बंदे हैं, कभी भी तुम्हारे एटीएम पे अटैक हो सकता है। तो अब ये क्या होगा, अभी मैं व्लॉग में मैंने दिखा दिया कि तुम्हारे पास घर में एटीएम है, अब डाका डाल गया। फिर डाका कैसे डालेंगे, पासवर्ड एटीएम उठा के ले जाएंगे। ज़्यादा तुम्हारा पूरा एटीएम खतरे में, अब तो व्लॉग में सारे देख लेंगे तुम्हारा एटीएम कोई उठा के ले गया। फिर फैंस बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा काम नहीं करते, ये आप लोगों की नियत में खोटा। अभी देखिए ना, चेक किया, इसमें म्यूजिक भी है। अच्छा वाह वाह, अगर आप सारा ये आपने चाय का सिस्टम भी रखा हुआ है, एटीएम का भी रखा हुआ है और डिस्पेंसर भी रखा हुआ है। और एक मसला, हमारी चाय ट्रांसपेरेंट है। चाय ट्रांसपेरेंट है, ये देखें जी। ज़ारा तुमसे उम्मीद भी यही है, तुम ट्रांसपेरेंट चाय पिला सकती हो। ज़ारा ना काम से बचने के लिए यहाँ कलोने लेकर तो बैठ भी है। चलो हमने चाय भी पी ली आपकी, आपके एटीएम की भी ज़्यारत होगी, आपके डिस्पेंसर से पानी भी पी लिया। अब आप थोड़ा सा अपना वक्त हमें दें। दे देती हूँ, ठीक है? आप थोड़ी देर के लिए बने हमारा कैमरामैन। जी गाइस, तो आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, क्योंकि फाइनली 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 मेरा टाइसन आ गया है। तो अभी मैंने इसको ना काफी दिनों से ये आया हुआ है, लेकिन मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया था, क्योंकि मैं अपनी हर चीज़ आप सबके साथ शेयर करती हूँ ना, कोई भी नई चीज़ आती है तो जो मेरे लिए बड़ी स्पेशल होती है उसकी अनबॉक्सिंग मैं आप सबके साथ ही करती हूँ, ये तो आप सबको पता ही है। तो आज हम करने लगे हैं हमारे न्यू डायसन एयर रैक कंप्लीट लॉन्ग। ओके, ये कंप्लीट इसका ये सेट है। अच्छा जी, तो इसमें ड्रायर भी है, कलर भी है, स्ट्रेटनर भी है, शेपर भी है और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। और ये तो अब हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोबा तोबा, क्या इतना शौक था? तुम अब जब मेरे से मांगोगी ना, फिर मैं तुम्हें कहूँगी तोबा तोबा, सोच लो। याली निकल क्यों नहीं रहा? Why? ऊपर से पकड़े बॉक्स को ऐसे करेंगे। वाह, अकल का इस्तेमाल किया। क्या करूं ज़ारा, अल्लाह ताला जब मुझे बना रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, लास्ट वाले पीस में सारी अक्कल डालूंगा। वाओ, माय गॉड, ओह आई एम सो हैप्पी। यार इसका बॉक्स कितना मजे का है स्टफ, ये यूं यूं करो, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। हाथ लगाओ ज़ारा, हाथ लगाओ, ज़ारा हाथ लगाओ, ये देखो। स्टफ बहुत मजे का है, बहुत प्यारा है ना, हटो। ओह चलिए, 1 2 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो ये है डायसन, जिसका सोशल मीडिया पे शोर मचाया हुआ लड़कियों ने के साथ ये है।
वाह, ये देखो जरा। ओके तो ये है इसके साथ। एक ड्रायर या एक कर्लर क्या मंगाती? मैंने कहा मंगा ही रहे हैं ना, तो एक ही दफा इसका फुल सेट मंगाएं। ओके, ये इससे होगा ज़ारा ब्लो ड्राई, और एक ये ब्रश है। ये जस्ट ये सिर्फ ड्रायर के लिए है ना। ये इसके साथ इन्होंने हमें दिए हैं स्वीट कैंडीज, ये तुम खा लो। स्वीट कैंडीज भी इन्होंने दी हैं। नहीं, वो उन्होंने आपके लिए दिया। डाइसन किसका है आपका ना, तो खाएंगे भी तो आप। तुम खा लो। नहीं, मुझे भूख बड़ी तेज है तू बेटा, बड़ी तेज है, बड़ी तेज है। ये चीज है मजे की, ये चीज है मजे की। इससे कर्ल होते हैं जारा, इससे लूज कर्ल होंगे और इससे थोड़े टाइट कर्ल होंगे। और ये मजे की चीज है, सिर्फ इसमें ये मैंने कुछ वीडियोस में देखा था, वो जो लड़कियां नहीं खुद ब खुद यहाँ रखो, खुद ब खुद रैप कर लेता है और खुद ब खुद रैप करके कर्ल कर लेता है, ये वो चीज है। बिस्मिल्लाह। वाओ, सीरियसली, मतलब कि मेरे ये हेयर ड्राई हुए हैं चुटकी में। तो अब हम ये ब्रश ट्राई करेंगे। जारा, तुम देख नहीं रही हो? स्ट्रेटनर इतना टाइम लगाती थी मैं बाल अपने स्ट्रेट करने में। ओ, ये क्या हुआ? ये क्या हुई गवाह? यार मुझे ना स्ट्रेटनर से इतना मसला हुआ करता था, जो पीछे वाले बाल हैं वो नहीं होते थे। अभी ये आप देखें, ये चेक करें। मतलब विद इन फ्यू मिनट्स मेरे ये हो गए हैं। नेचुरल से हो गए हैं, है ना? वाह, जबरदस्त यार, जबरदस्त। अच्छा, ये इन्होंने दिया हुआ है ब्रश ब्लो ड्राई के लिए। अच्छा गाइस, ये मैंने कभी भी ब्लो ड्राई नहीं किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ब्लो ड्राई मैंने ना किए हैं कभी, ना किसी के, ना खुद के, तो इसलिए ये मेरा ना अभी इस पे हाथ नहीं चल रहा। लास्ट में ट्राई करने जा रहे हैं फेवरेट चीज, वो चीज जिसकी वजह से मैंने ये पूरा एयर रैप ऑर्डर किया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इसके लिए ये पूरा ऑर्डर किया था। मैंने कहा चलो ऑर्डर मैंने सिर्फ ये करना था, फिर मैंने कहा चलो पूरा सारे फंक्शन के साथ, मल्टी फंक्शन के साथ ऑर्डर करती हूँ ताकि सब काम आ जाए। मैं काफी देर तक भी नहीं कर रही, पार्टीशन भी नहीं कर रही मैं इसकी। वाह, और देखो दूसरा हाथ यूज भी नहीं कर रही मैं। ये देखें गाइस, अभी सिर्फ मैंने आप सबको दिखाने के लिए रफ रफ किया और मैंने दूसरा हाथ यूज नहीं किया, सिर्फ मैं बालों को ऐसे ऐसे कर रही थी, मैंने बिल्कुल उसमें रैप नहीं किए। ये एयर रैपर खुद ब खुद ही वो बालों को ले रहा था और खुद ब खुद ही बालों को वो रोल कर रहा था। और ये देखो मैजिक की तरह जल्दी जल्दी में ये देखो कितने मजे की लुक आ गई। डिफरेंस चेक करें, है ना? देखते हैं ये कैसा रिजल्ट देता है। तारा! तो गाइज ये थे लॉन्ग कर्ल जो बड़े वाला था उससे किया था, और ये जो स्लिम है ये वाली लेफ्ट साइड, ये स्लिम से है। ये भी आपको मैंने रफ रफ करके बताया, रफ रफ मैंने इसमें कोई पार्टीशन नहीं की, एक एक बाल लेकर नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद ये देखें लुक कैसी लग रही है। बहुत वर्थ इट है, इस पे इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप सब भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा एयर रैप डायसन कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आया, मेरा दिल खुश हो गया। अब मैं आपको अपना टॉय दिखाती हूँ, ये देखें, ये मेरे बचपन की यादें हैं और ये मेरा फेवरेट टॉय है। ये मैं इतना खेलती थी, इतना खेलती थी, है ना मम्मी? खेलती थी बचपन में भी, मुझे गुस्सा चढ़ रहा था तो अभी भी पर चढ़ रहा है। आपको क्यों गुस्सा चढ़ रहा है? ये हमारे सारे वीडियो जो गेम्स होती थी ये तोड़ दिया करती थी, मुझे आपको नहीं गुस्सा ना लगता चढ़े।
खबरदार आपने मेरी फिश को हाथ लगाया। अब फिश के मैं टुकड़े टुकड़े कर देती। कोई नहीं अम्मी, ये हमारी सारी गेम्स, मेरी और किंजा के सारे खिलौने तोड़ देती थी, हमारी वीडियो गेम्स तोड़ देती थी। बस अम्मी, बच्चे तो नहीं हो तुसी? हम बच्चे हैं, हम बच्चे हैं। अच्छा, जब दिल करते हैं बच्चे बना लेती हैं कि माओ के लिए बच्चे हमेशा बच्चे होते हैं। आपने वो गाना नहीं सुना, दिल तो बच्चा है जी। चुप करे, चंडे लगा दे, बच्चा है जी। अम्मी आप हर वक्त, वो कमेंट में कोई कह रहा था हर वक्त आपकी अम्मी मारती क्यों रहती हैं, हर वक्त आपकी अम्मी सड़ी भी क्यों रहती हैं। मैंने तेरी सारी अलमारी आज ठीक की, आज तेरे कमरे को मैंने साफ किया और फिर बैठ गई हैं खिलारा डालने। हम नहीं, हम खाली बेड पे कोने में बैठ के खेलेंगे। अम्मी प्लीज यार खुश रहा करो, हर वक्त इतनी सड़ी भी क्यों रहती हो। माना बुढ़ी होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त सड़ी। ये भी निकाल ले जो लगा है। खबरदार मेरे मेरे इसको। अम्मी ये हमारा फैमिली मेंबर है, नहीं मारो इसको, ये हमारा फैमिली मेंबर है, इसको ना ऐसे करो। अच्छा जी, अब हम गेम खेलेंगे, ठीक है? मैं ले लूंगी। एक तो हर चीज में ना तुम्हारा लालच शुरू हो जाती है। नहीं नहीं, ये बाद में हम वीडियोस बनाएंगे, उस दिन ट्राई करेंगे, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अभी हम करेंगे फिशिंग, और जो खेलेगा वो खिलाएगा आइसक्रीम। नहीं 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 नहीं, जो हारेगा, सॉरी, जो हार जाएगा वो खिलाएगा आइसक्रीम। ठीक है, डन डन डन। गाइस जितनी ये आसान नजर आ रही है, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, चीटिंग। मैं चुपेट लगाऊंगी, निकालो। अभी ऑन हुई नहीं है तो ये क्या बदतमीजी है। ऑन करो, ये अम्मी देख रही है और बगैर चीटिंग किए खेलनी है मेरे साथ, वरना मैं उठा दूंगी, मैं अकेले खेलूंगी। अच्छा, फिशिंग होने जा रही है, स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। ज़्यादा नहीं, यहाँ से पकड़ना है, मैं मुंह पे चपेट लगाऊंगी, मैं मुंह पे लगाऊंगी एक। नहीं नहीं, मैं यहाँ से ही कर रही। ये लो जी, खबरदार, ये मेरी गेम खराब की। तो इनको मैं ट्रिक सिखा देती हूँ, बच्चियाँ मेरी अभी। तो देखो तरीका ये होता है कि फिश का मुंह देखना कैसे है, ठीक है, इसके अंदर रखना है और फिर इसकी शेप थोड़ी सी चेंज करनी है ताकि ये दांत फंसाए, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करना है और टेढ़ा करने के बाद इसको उठाना है। ये मुझे पता था, अंदर कैसे डालना पता था, तभी तेरे से निकल नहीं रही। जरा क्या बात है, ओहो क्या बात, ये मेरी फिश है, ये मेरी है, मैं तुम्हें लगाऊंगी, हटो यहाँ से। वो खोलिया, मेरी हो गई लास्ट फिश। हम गिनने लगे हैं, ठीक है, 1 2। ओ बिस्मिल्लाह, देखा है नंबर मेरे 12 मछलियां मैंने निकाली हैं। अब कोई जीते या हारे मेरी बला से। चले 1 2 13 14। गुड गुड। 3 4 15 16 17 18 19। दुआ ने की है 19 फिशिंग और इसकी 14 थी और मेरी 12 थी। आइसक्रीम अब आप ही खिलाएंगे। चलो क्या मेरे साथ, मेरे साथ हमेशा ऐसे क्यों होता है यार, ये मैं क्यों फंस जाती हूँ। हाँ, ये लोग जीत गए तो चलें जी, मैं हार गई हूँ, मैं मानती हूँ, और अब मैं इन लोगों को खिलाऊंगी आइसक्रीम। हैप्पी, इसी व्लॉग में प्रूफ दिखाऊंगी मैं एंड पे, आइसक्रीम खिलाते हुए इनको लाजमी खिलाऊंगी। कहाँ से खानी है तुम लोगों को आइसक्रीम? सॉफ्ट स्वेल। ठीक है, तो चलें अभी थोड़ी देर के लिए मैं करती हूँ रेस्ट, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद इन दोनों विनर्स को खिलाएंगे आइसक्रीम। जी गाइस, तो गेम में हार गई हूँ और ज़ारा ने मुझे सूली पे टांग दिया था कि आइसक्रीम आज की आज ही खानी है, और व्लॉग का जान के मुझे डरा रही थी कि प्रूव हो इसके पास। मैंने कहा मैं तुझे वैसे कभी नहीं खिला देती हूँ। ये क्या होता है,
ये क्या होता है? आँख वाली ना, कोई इंप्रेस। तो चलें जारा और दुआ को आइसक्रीम खिलाते हैं, नहीं तो इसने मुझे सोने नहीं देना चैन से। कहती है मैं बचपन से गेम खेलती आ रही हूँ और खेलने आती है नहीं तो बचपन में। नहीं, मैंने इतने टाइम के बाद बचपन में खेली थी और अब खेल रही हूँ तो हो जाता है। चलो आइसक्रीम खानी है ना तुम लोगों को, खाओ आइसक्रीम। आइसक्रीम आ गई है। ये है जारा की आइसक्रीम विद मोल्टन लावा। ये क्या है? ये है दुआ की ओरियो वेफल और ये है मेरी डिप वेफल। ओह, सारों के पास ही अपने अपने मोबाइल हैं भाई। वाह क्या बात है, इधर सारे क्या सीन है, व्लॉगर तो वादा मैंने पूरा किया। अब खुश हो तुम दोनों? मैंने खिला दिया भाई आइसक्रीम, अब ना ताना देना मुझे। ओके, ओके। क्योंकि मुझे ताने से सख्त नफरत है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक शोध पुना। हमारे घर में सबसे ज्यादा वो खाता है, सबसे ज्यादा उसको मिलता है, सबसे ज्यादा उसको पूछा जाता है हर चीज के बारे में, और सबसे ज्यादा शोधा भी वही है। बड़े अफसोस की बात है। दुआ ने मुझे कहा आप ही मेरी आइसक्रीम ट्राई करें कैसी है। मैंने इसको कहा मेरी भी कर लो कैसी है। मैंने इधर देखा तो ये देखे, ये बिल्कुल ज़ारा जो है ना किसी को सुला नहीं मारती। होता है ना बंदा कहता है आप ट्राई कर लो अपनी चीज शेयर कर लें, नहीं मुझे किसी ने सुला मारी। तोबा। Hey everyone, तो हम लोग घर वापस आ गए हैं और जरा ने आज कहीं आज आइसक्रीम खा के ही छोड़ी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि जैसे कोई न्यू व्लॉग लगा करे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाया करे। तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे खत्म। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप रखिए अपना ख्याल, दुआ में रखिए मुझे याद। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।